Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. सर जिसमें कॉरिडोर में काम चालू हो गया है, सोशल डिस्टेंस का कितना ध्यान रखा जाए, कितने एक टाइम में कितने वर्कर काम कर रहे हैं? इस समय वहाँ 150 वर्कर्स काम कर रहे हैं और लॉकडाउन की जो नियमावली है उसके अनुसार जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए काम शुरू किया गया है। पहले लॉकडाउन की अवधि के दौरान वहाँ जो वर्कर्स थे, क्योंकि वो वहीं रहते हैं और हमारा इंजीनियरिंग स्टाफ भी वहीं रहता है और उस पूरे क्षेत्र को बैरिकेड कर लिया गया है, उसके अंदर से बाहर जाना, बाहर से अंदर आना संभव नहीं है और उस पूरे क्षेत्र के कार्य करने वाले लोग वहीं निवास करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमने आवेदन किया था कि हमें कार्य प्रारंभ करने दिया जाए और इस पर सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ इस लॉकडाउन में अभी 2 दिन पहले कि इस जगह को चूँकि पूरी तरीके से आइसोलेट किया जा सकता है और पूरी साइट को क्वारंटाइन किया जा सकता है, एंट्री और एग्जिट आइडेंटिफाइड है, इसलिए यहाँ के लोगों को काम करने की सुविधा दी जाए और वहाँ मटेरियल रखा है जिसके अनुसार हम लोगों ने काम शुरू किया। सर जितने वर्कर इस समय काम कर रहे हैं क्या वो सेंट्रलाइज होके ही अंदर गए? वो वर्कर्स पहले से ही वहाँ हैं। कोरोना का जो ये पैंडेमिक है इसके शुरू होने के बहुत पहले से जनवरी से ही वो वर्कर्स वहीं रहते हैं, वहीं रहते हुए कार्य करते हैं। हमारे साइट के इंजीनियर्स जो हैं वो भी वहीं रहते हुए कार्य करते हैं। इस आशय का आवेदन पत्र जो हमारी PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी है उनके द्वारा दिया गया कि हमारे वर्कर्स यहीं स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं और इनकी हेल्थ में कहीं कोई डिटेरियरेशन नहीं है, किसी तरह का कोई सिम्टोमेटिक वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और ये पूरी तरीके से बाहर से आइसोलेटेड हैं। क्या क्या सुविधा दी जा रही है सर इन मजदूरों को? सभी वर्कर्स को मास्क और ग्लव्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए और जो वहाँ पे अधिकारी हैं उनके लिए। पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है कार्य को शुरू करने से पूर्व और कार्य को समाप्त करते समय भी प्रतिदिन 2 बार पूरे एरिया का सैनिटाइजेशन होता है। इस समय वहाँ दर्शनार्थियों की अनुमति नहीं है अंदर जाने की, इसलिए कोई भीड़ नहीं है और जो भी लोग वर्क एरिया में अंदर जाते हैं उनकी जिनको अंदर जाने की आवश्यकता पड़ती है ऐसे सभी लोगों को हम प्रॉपरली सैनिटाइज करके और थर्मल चेक करके अंदर भेज रहे हैं। हमारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों ने अवगत कराया है कि शीघ्र ही जैसे ही उपलब्ध हो जाएगा, ऑर्डर प्लेस किया गया है, हमारे पास सैनिटेशन टनल आ जाएगी, उसके बाद जो और अन्य लोग भी जो अंदर जा रहे हैं सभी को हम लोग सैनिटेशन टनल के द्वारा ही अंदर भेजेंगे और अभी तक इस तरह के जितने भी मानक समय समय पर राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा दिए गए, सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर अपनी जो सेल्फ हाइजीन है और जरा सा भी दिक्कत होती है तत्काल रिपोर्ट करने की जो बातें हैं, इन सभी का ध्यान रखते हुए ही पूरे कार्य को कराया जा रहा है। क्या टाइमिंग है वहाँ के कार्य करने का टाइमिंग? सुबह 8 बजे वो लोग काम शुरू करते हैं और कार्य लगभग 24 घंटे चलता है। उसमें बीच बीच में क्वारंटाइन करने के लिए काम को बंद किया जाता है। 3 शिफ्टों में कार्य होता है। क्या 3 शिफ्ट में ही वही मजदूर है, 3 शिफ्ट में ही? बिल्कुल, 3 शिफ्ट में उन्हीं मजदूरों को, 160 लोग जो बता रहा हूँ, 150 मजदूर है, 10 अधिकारीगण है, इनको 3 शिफ्टों में डिवाइड करके और उन्हीं लोगों से काम लिया जा रहा है। बाहर से कोई मजदूर नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे, इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे देश में, क्या कहना चाहेंगे और अदर्स दर्शनार्थियों के लिए और पब्लिक के लिए? मैं दर्शनार्थियों से भी मेरा अनुरोध है और अन्य पब्लिक से भी मेरा अनुरोध है कि जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जो बार बार जिन चीज़ों के बारे में अवगत कराया जा रहा है उसका पूरी तरीके से पालन करें, हमारा सहयोग करें और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, सेल्फ हाइजीन के नॉर्म्स हैं, मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनना है, इन सारी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दें जब भी वो बाहर निकल रहे हैं किसी भी मजबूरी की स्थिति में और इस कठिन समय में एक दूसरे का साथ सहयोग रखते हुए संबल बनाते हुए अपना ख्याल रखें और शीघ्र ही जैसे ही ये पैंडेमिक खत्म होगा हम लोग मंदिर का दर्शन भी सुलभ कराना शुरू करेंगे। इस दौरान मंदिर के जो पूजा पाठ आदि सब लगातार नियमानुसार हो रहे हैं जिसका की लाइव प्रसारण भी उपलब्ध है, तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि संबल बनाए रखें और शीघ्र ही हम इससे आगे निकल जाएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन है, ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या बाहरी मजदूर को भी एंट्री मिलेगी? देखिए लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो सभी जगह पर एंट्री सबको मिलेगी, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, जो सेल्फ हाइजीन के नॉर्म्स हैं, ये हमारी समझ से, वैसे तो मैं मेडिकल के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता बट मुझे लगता है कि नाउ दिस इज ये जो चीज़ है ये रहेगी और हो सकता है कि हमें इस वर्ष के अंत तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़े।
साइट पर जो कार्य चालू किया है, जो सरकार ने हमको परमिशन दिया है, उसमें सबसे पहले जो गाइडलाइंस है वो हमने अपने लेबरों को ब्रीफिंग करते हैं। सुबह 8 बजे हमारा कार्य चालू होता है, इसमें हम अपने लेबर को सबसे पहले बताते हैं साइट पर कैसे काम करना है। साइट पर सबसे पहले लेबर को समझाया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग और नोज मास्क जो कंपलसरी है वो हमारे लेबर का होना चाहिए। तो सुबह सबसे पहले लेबर को नोज मास्क चेक किया जाता है, फिर उनको ब्रीफिंग किया जाता है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, मतलब 1 से 2 मीटर के बीच की जो दूरी है वो मेंटेन करके ही साइट पर काम करना है। वो ब्रीफिंग होने के बाद हम लेबर को साइट पर लेके आते हैं, तो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम लेबर को हैंड वॉश कराते हैं, फिर सैनिटाइजिंग करते हैं और फिर साइट पर भेजते हैं। साइट पर हमारे जितने भी एरिया में काम होता है वहाँ पर जो कंसर्न सुपरवाइजर इंजीनियर हैं वो हमारे जो GM साहब के गाइडलाइंस है उसके अनुसार वो दूरी बना के काम किया जा रहा है, और हर 2 घंटे पर हमारे सेफ्टी वाले कंसर्न सुपरवाइजर वो GM साहब के परमिशन के अनुसार वो सैनिटाइजर देते रहते हैं साइट पर, जिससे कोई भी कुछ भी आशंका न हो। और साइट पर हर लेबर एक चीज़ को ध्यान रखता है कि जो साहब लोग बता रहे हैं, जो हमारे सेफ्टी वाले इंजीनियर बता रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं। और साइट पर कोई भी अगर दिक्कत होगा तो हम सबसे पहले अपने GM साहब को रिपोर्ट करेंगे कि कोई दिक्कत और ना हो। बाकी के लिए हमारे मंदिर प्रशासन की तरफ से हमेशा बराबर गाइडलाइंस और सहयोग मिल रहा है, और हम लेबर का सुबह जो थर्मल स्कैनिंग करते हैं वो सुबह करते हैं, शाम को करते हैं। ये हमारे पास थर्मल स्कैनिंग मशीन है जो लेबरों का थर्मल स्कैनिंग बराबर हम लोग डेली का डेली रूटीन चेक कर रहे हैं, और उसका एक रिकॉर्ड बनाया गया है जो कि कोई भी लेबर का अगर हमारा कम आता है या ज्यादा आता है तो हम उस पर एक्शन ले सके, लेकिन अभी तक सब कुछ नॉर्मल रूप से चल रहा है। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी।